नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपरा समाचार। मैं हूं आपके साथ में दिनेश। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र के गांव अलवास निवासी भारतीय सेना के वीर सपूत श्री मनोहर सिंह सिसोदिया का पार्थिव आज उनके गांव पहुंचा। पार्थिव पहुंचते ही ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि बर्फ जम्मू में बर्फबारी के दौरान जवान घायल हो गए थे। उन्हें पंजाब के जालंधर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली और देश के लिए अपना बलिदान दिया। आज जैसे ही पार्थिव उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो भारत माता की जयकारों के उद्घोष के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया। वहीं हर एक ग्रामवासी ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधायक विजयपाल मिर्दा भी मौके पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद परिवार को ठाठस बधाया और सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें सही। आपको बता दें कि शहीद मनोहर सिंह सिसोदिया वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वहीं भारी बर्फबारी होने के कारण वो घायल हो गए थे और पंजाब के जालंधर में मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं परिजनों की माने तो 2 महीनों बाद उनकी शादी होनी थी। परिवार तो शादी की तैयारियां कर रहा था, पर लेकिन मनोहर सिंह सिसोदिया ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। साथ में आई टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर सैन्य सम्मान के साथ शहीद के परिवारजनों को तिरंगा सौंपकर शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद को अंतिम